तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो में एक नए फ़ोन के बारे में बताने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों, आपने उस फ़ोन को तो आपने देख ही होगा मेरे थंबनेल में, किस तरह के फ़ोन, किस स्टाइल में, किस डिज़ाइन में है। तो आज मैं आपको उसी फ़ोन के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, कैसे आप उस फ़ोन को जो अपने मोबाइल फ़ोन में यूज कर सकते हो, कैसे आपको डाउनलोड करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में ही बताया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, उस फ़ोन का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा उसमें जो पासवर्ड लगा हुआ है उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, आपको वीडियो में ही पासवर्ड देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उस फ़ोन की। तो सबसे पहले उस फ़ोन को यूज करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की मदद लेनी पड़ेगी, जिस एप्लीकेशन का नाम है इंडियन फोन कन्वर्टर। तो दोस्तों, आप इधर पे देखोगे तो इधर पे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीका। इधर पे आप देख सकते हो, ये जो एप्लीकेशन है आपको प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। आपको जाके सर्च करना है इंडियन फोन कन्वर्टर, तो आपको उधर पर ये जो एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी आपको करना है, आपको इस एप्लीकेशन को जो है ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करते हो दोस्तों, तो आपके सामने कुछ इस तरीके इसका लुक देखने को मिलता है। तो अभी दोस्तों इधर पे करना है, आपको इधर पे जो थर्ड वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है यूनिकोड टू एमएस इंडिया फॉन्ट, तो दोस्तों आपको जो इसी वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो दोस्तों, तो आपको कुछ इस तरीके का लुक देखने को मिलता है। अभी आपको जो इधर पर करना का है, आपको टाइप यूनिकोड टेक्स्ट हियर करके लिखा गया इंग्लिश में, आपको उधर पे क्लिक करना है। उसके बाद अपने अपने जो कीबोर्ड आपको इंग्लिश में रहेगा, तो आपको जो इसको हिंदी में करना है कुछ इस तरीके से, जैसा आपकी आप इधर पे देख सकते हो। हिंदी में करने के बाद दोस्तों, आपको जो वर्ड आपका आपका टाइटल यानी जो कुछ भी आप लिखना चाहते हो इधर पे, वो आपको इधर पे हिंदी में टाइपिंग करके लिख लेना है। तो चलिए जो मैं फटाफट टाइपिंग करके लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको वीडियो में आगे क्या करना है आगे मैं आपको बताता हूँ। तो इधर में दोस्तों, मैंने जो टाइटल लिख लिया हुआ है आपको दिखाने के लिए, तो इधर पे आपको अभी एक ऑप्शन देखने को मिलता है, लिखा गया यूनिकोड टू एमएस करके बीच में, ये आप देख सकते हो इधर पे। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके नीचे वाले जो बॉक्स है आपको उसमें उसका यूनिकोड देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको इधर कॉपी का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करके जो कॉपी कर लेना है। इतना करने में दोस्तों, आपको इसको बंद कर देना है इस एप्लीकेशन को। उसके बाद आपको जो इधर पे करना क्या है, और अभी आपको इधर जो पिक्सेल एप्लीकेशन को यूज करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो इधर पे चलिए पिक्सेल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको न्यू टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, आपको इस पर डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस टेक्स्ट को जो क्लिक करके हटाना है इधर से कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको इधर पे जो अपना टेक्स्ट इधर पे पेस्ट करना है जो आपने उधर से कॉपी किया था। उसके बाद आपको इधर पे डन करना है, उसके बाद ओके कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों, आपको जिस तरीके से जो आपका टेक्स्ट दिखाई देगा। तो अभी आपको इधर एक ही ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको इधर पे चले आना है अपने इस फोन के ऑप्शन पे। आने के बाद दोस्तों, इधर पे आपको माई फोन का ऑप्शन है, आपको उस पर क्लिक करना है। और आप इसमें अलग अलग तरीके से कई सारे जो फॉन्ट ऐड कर सकते हो। अगर आपको ऐड करना नहीं आता हुआ, तो आप मेरे वीडियो में ही आप मेरे यानी कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन एक वीडियो का लिंक मिलेगा, जिसमें मैंने बताया हुआ कि पिक्सेल एप्लीकेशन में जो फॉन्ट को ऐड कैसे करते हैं। तो जाइए आप उस वीडियो को पहले देखिए, उस वीडियो में ही मैंने बताया हुआ है कि जो पिक्सेल एप्लीकेशन में फॉन्ट को कैसे ऐड करते हैं। तो अभी चलिए दोस्तों, जो उस फोन का नाम मैं सर्च कर लेता हूँ, फोन मैंने जो ऐड किया हुआ है अपने पिक्सेल एप्लीकेशन में। तो इधर पे चलिए मैं उसको जो उसका नाम सर्च कर लेता हूँ। तो इधर मैंने उस फोन का जो नाम सर्च किया, इधर पे इस फोन को मैंने सिलेक्ट किया और इधर पे ओके कर देता हूँ। तो मेरा जो टेक्स्ट है कुछ इस तरीके आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, देख सकते हो। इधर पे थोड़ा मुझे जगह देना पड़ेगा, तभी मेरा जो टेक्स्ट है अच्छी तरीके से दिखाई देगा, क्योंकि जो मेरा टेक्स्ट है सब एक ही साथ है, तो इसलिए मेरा जो टेक्स्ट है अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। इधर पे चलिए कुछ इस तरीके से टेक्स्ट को बना लेते हैं। उसके बाद इधर पे डन करता हूँ मैं, ओके कर देता हूँ। तो मेरा जो टेक्स्ट है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। इधर पे थोड़ा मेरा मिस्टेक हो चुका है, एक मिनट इसको अच्छे से कर लेते हैं। इधर पे इसको नीचे कर देता हूँ, अभी मेरा जो बराबर हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरह मेरा जो टेक्स्ट बन चुका है दोस्तों। तो अभी आप इस तरीके से जो टेक्स्ट बना सकते हो। अगर इसमें आपको कलर देना है, तो आपको इस पर क्लिक करके आपको कलर के ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद आपको ग्रेडियंट में जाना है। जाने के बाद दोस्तों, आपको इधर पे कलर सेलेक्ट करना है, जैसा आपको कलर चाहिए। तो उस फोन में जो है इधर पे एक ऊपर साइड में दोस्तों व्हाइट कलर लिया गया था, और नीचे साइड में जो है आपको इधर पे कलर पे क्लिक करके मैं दिखाता हूँ आपको। नीचे साइड में जो है कुछ इस तरीके से आपको ग्रीन टाइप का एक कलर लिया गया था उधर पे। तो इधर मैंने उस कलर को इधर कुछ इस तरीके से सिलेक्ट किया। उसके बाद इधर पे आपको ओके कर देना है, और इधर से भी जो आपको इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं कुछ इस तरीके से, इधर से भी आपको ओके कर देना है। इतना करने में दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके से टेक्स्ट को आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको दोस्तों ऐसा कलर आपको सभी फॉन्ट को अलग अलग करके करना है, तभी आपको अच्छा तरीके से इफेक्ट देखने को मिलेगा अपने फॉन्ट में। इधर मैंने क्या किया है, सभी फॉन्ट को एक साथ लेके ही इफेक्ट दे दिया है। तो दोस्तों, आपको इस फॉन्ट का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप तो पासवर्ड वीडियो में आपने देख ही लिया होगा। तो जाइए आप डाउनलोड कीजिए इस फॉन्ट को और यूज कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।